हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब कभी आप किसी लोकोमोटिव को देखते होंगे तो आपको उसमें सैंडबॉक्स लिखा हुआ मिलता है, जिसे देख करके आप सोचते होंगे कि आखिरकार लोकोमोटिव में सैंड की क्या जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि लोकोमोटिव में सैंड, जिसे हम हिंदी में रेत बोलते हैं, उसकी क्या जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हर रेलवे लाइन पे अप और डाउन ग्रेडियंट तो होते ही हैं, और मौसम हमारे देश की एक खास पहचान है। भारतीय रेलवे हर मौसम में काम करती है और भारत के हर कोने में लगभग ट्रैक बिछे हुए हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, समुद्र का इलाका हो या और कोई भी इलाका हो। बात की जाए बारिश के मौसम की या किसी अपग्रेडेंट की, जहाँ पे लोकोमोटिव को चलने के लिए और ट्रेन को पुल करने के लिए काफ़ी ताकत की जरूरत पड़ती है, ऐसे में लोकोमोटिव के व्हील स्लिप होने लगते हैं। व्हील स्लिप के कारण लोकोमोटिव की जो ट्रैक्शन पावर है वो वेस्ट हो जाती है, जिसके कारण ट्रेन का मूवमेंट आगे नहीं हो पाता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए भारतीय रेलवे अपने लोकोमोटिव में व्हील्स के दोनों तरफ, यानी कि लोकोमोटिव में 8 टोटल सैंडबॉक्स लगाती है। इन सैंडबॉक्स में ड्राई सैंड को, यानी कि हमारी सूखी हुई रेत को रखा जाता है, जिसे एक ड्राई कंप्रेशर की मदद से लोकोमोटिव के व्हील्स के पास जरूरत पड़ने पर स्प्रे किया जाता है। जब व्हील स्लिप हो रहा होता है और उसमें अगर सैंड स्प्रे किया जाता है व्हील के पास, तो सैंड व्हील और ट्रैक के बीच में आकर के फ्रिक्शन को बढ़ाती है, जिससे लोकोमोटिव के ट्रैक्शन में काफ़ी मदद मिलती है और ट्रैक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, जिससे लोकोमोटिव के मूवमेंट में आसानी हो जाती है। इस सैंड को ड्राई रखने के लिए और काफ़ी प्रेशर से लोकोमोटिव के व्हील के पास छोड़ने के लिए एक ड्राई कंप्रेशर का यूज़ किया जाता है, जिससे लोकोमोटिव के व्हील के पास तक सैंड को सैंड बॉक्स से स्प्रे किया जाता है। लोकोमोटिव में रखी हुई सैंड का निरीक्षण हमारे असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा किया जाता है। जब लोकोमोटिव अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किसी स्टेशन से, तो उससे पहले ही असिस्टेंट लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है कि वो श्योर कर ले कि लोकोमोटिव में सैंड प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं, और साथ ही साथ वो ये भी देख लेते हैं कि सैंड स्प्रे के जो डक्ट्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, उनसे प्रॉपर तरीके से स्प्रे आ रही है कि नहीं और उनकी पोजिशन क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे आने वाले वीडियोस में आप किन टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। हम ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।